आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। गुमला में लफ्ज जिहाद का एक मामला प्रकाश में आया है। 29 वर्षीय एक युवती ने रेहान अजीम नामक एक युवक पर धर्म छिपाकर प्रेम जाल में फंसाने तथा शादी के नाम पर 1.5 वर्ष तक यौन शोषण करने का आरोप मढ़ा है। युवती अपनी शिकायत लेकर मंगलवार को एसपी अंजनी कुमार झा के पास पहुंची। उसने कहा कि युवक शादी से पहले उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। जब उसने इससे इनकार कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई और उसे घर से निकाल दिया गया। एसपी ने पीड़िता की शिकायत आवश्यक निर्देशों के साथ गुमला थाना भेज दी है। खबर लिखे जाने तक मामले में प्राथमिकता दर्ज कराने की कार्यवाही चल रही है। युवती और गुमला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011-12 में जशपुर में मेला लगा था। युवती ने इस मेले में लगी एक दुकान से सामान की खरीदी की थी। इस दौरान दुकानदार ने उससे मीठी मीठी बातें की, अपना नाम राजू और धर्म हिंदू बताया। युवक की बातों में आकर उसने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। इसके बाद लगभग 5 साल तक दोनों के बीच मोबाइल पर बातचीत होती रही। युवक जब भी जशपुर जाता था तो उसे अपने पास बुलाता था। युवक ने इस बीच युवती की शादी का प्रस्ताव दिया जिस पर वह सहमत हो गई। युवती के पिता का देहांत हो चुका है। उसके घर में उसकी माँ और 3 नाबालिग भाई हैं। महिला थाना प्रभारी सरस्वती कुमारी के अनुसार युवती को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया। इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी। शादी का वादा कर लाया गुमला। युवती के अनुसार 12 अगस्त 2018 को राजू ने शादी का वादा कर उसे गुमला ले आया। उसने रामनगर में कमरा लिया और उसे उसी कमरे में रखा। मकान मालिक का बेटा अनिल साहू युवक का दोस्त है। रात में राजू उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस बीच 12 अगस्त 2019 को राजू युवती को लेकर आजाद बस्ती स्थित अपने घर पहुंचा। उसे तब यह पता चला कि उसके साथ छल हुआ है। वह हिंदू नहीं मुस्लिम है। गुमला झारखंड से अजित सोनी की रिपोर्ट। मेला में मिला था मेरे से एक दो बार। अजीम नाम है अभी तो, पहले राजू नाम बताया था, हम हिंदू है करके। फिर मेरे को नंबर दिया और नंबर लिया, वो हमसे बात करने लगा धीरे धीरे। फिर बात करते करते, कब की बात है, कब मिला था आपसे? 2011-12 में। फिर 12 में बात करने लगे, फिर फोन में ही कांटेक्ट रहा वैसे 3-4 साल। बीच बीच में आता जाता था सर। फिर बाद में हमको बुला लिया यहाँ पे गुमला में रहने के लिए, रामनगर में। फिर वहाँ रामनगर में हम थे अगस्त में, 13 अगस्त से थे सर वहाँ पे। 13 अगस्त से यही नवंबर तक फिर हम घर चल गए थे। फिर घर गए, फिर वापस आना चाहे तो नहीं आने बोला कि नहीं आओ। फिर हम वहाँ से चल दिए थे पंजाब काम करने के लिए। तो वहाँ गया था, फिर मेरे को लेके आए, बोला कि नहीं चलो शादी करूँगा ये करूँगा बोल के मेरे को बहलाया फुसलाया। फिर लेके आया, फिर रखा था ये आज़ाद बस्ती में। फिर बोला कि नहीं, हम बोले कि यहाँ क्यों रखे हैं ये बस्ती, मुसलमान बस्ती में, तो नहीं हम मुसलमान हैं ऐसे बोल। फिर वही रखा था मार्केट करता था। तो कब पता चला कि आप मुसलमान हैं? ये अगस्त में। फिर क्या बोलने लगा आपको? अगस्त में बोलने लगा कि नहीं, उनको जो भी करना है करो, मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता। ये शादी करने के लिए बोला? शादी करने के लिए नहीं बोला, धमकी दे। मारपीट है जी, मारपीट करता था। और क्या बोलता था? आप लोग का कोई, आप लोग पति पत्नी के रूप में रहते थे जी? साथ में रहते थे। कोई बाल बच्चा आप लोग जी? दो बार मेरे साथ खराब करवाया। और अब क्या बोलता है? नहीं रखूंगा बोलता है, धमकी देता है। क्या नाम है उसका? वालों को भी जांच मारने का धमकी। क्या बोलता, क्या नाम है उसका? अजीम अंसारी है, राजू नाम बताया था, ये पता नहीं था रेहान नाम यहाँ नहीं थे, बाद में बताया। आजाद बस्ती में। असली नाम क्या है उसका? असली नाम अजीम अंसारी। अजीम अंसारी, कहाँ घर है उसका? आजाद बस्ती। और आपका घर कहाँ है? जसपुर। क्या नाम है आपका? शकुंतला मिश्रा। और पिताजी का नाम? केशव प्रसाद मिश्रा। कितने भाई बहन है आप लोग?